क्या हु का विश्वास वह शक्ति है, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल DMR राशिफल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 26 सितंबर दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है, सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करें। मित्रों और कमेंट में जय सूर्य भगवान लिखें, सूर्य भगवान आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाणक्य नित्य ज्ञान के बारे में। आज आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, सोच का व्यक्ति बड़ी से बड़ी चुनौतियों को आसानी से हराने में सक्षम होता है। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से घबराकर बैठ जाते हैं उन्हें कभी सफलता नहीं प्राप्त होती, और परंतु सकारात्मक दृष्टि का व्यक्ति ऐसे में समय को चुनौतियों को मत देखकर सफलता की ऊँचाई को प्राप्त करता है। कहते हैं कि सब कुछ तकदीर में लिखा होता है, लेकिन परिश्रम करने वाले सभी व्यक्ति तकदीर व मेहनत से बनाते हैं। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार जो व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचता है वह बहुत ही मेहनती होता है। सफल व्यक्ति भरोसे कभी मेहनत करना नहीं छोड़ पाता, और जो भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं उन्हें सफलता कभी नहीं मिलती। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपने कार्य को लेकर तत्परता दिखानी चाहिए, वह व्यक्ति जरूर सफलता की ऊँचाई को छूता है। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, सफलता करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें और कार्य क्षेत्र में सभी के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। और हर किसी के अंदर एक शानदार कला होती है, लेकिन वो हर किसी के अंदर नहीं होती, वह सफल माना जाता है। और सफलता के संघर्ष को सिक्का बनाना चाहिए, कार्य अपना सिक्का जमाना चाहिए। मित्रों यही था आज की चाणक्य नित्य का ज्ञान। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज के बाचंग के बारे में। चंग 26 सितंबर दिन चल रहा है, रविवार, तिथि चल रही है पंचमी, नक्षत्र चल रहा है कृतिका, ऋतु चल रहा है शरद ऋतु, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होगा 6:18 पर और सूर्यास्त होगा 5:43 पर। आज का शुभ समय 10:16 से 12:26 तक। आज का अशुभ समय 3:04 से 4:16 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 2 है और भाग्यशाली दिशा पूर्व है और भाग्यशाली रंग मेहरू है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि, आज का दिन आपके महान पुरुषों से मिलजुल बढ़ाने की संभावना रहेगी। नई कार्य तकनीकी विचार के उपरांत कुछ निर्णय लेंगे और आप कम समय में अधिक काम करने में कामयाब होंगे, क्योंकि इस समय आपकी हिम्मत और पुरुषाचार शक्ति बढ़ी हुई चल रही है। घर के पुराने लटके हुए कार्यों को बना लेने में सफलता मौका मिलेगा। कार्यों में सफलता मान सम्मान वृद्धि की योग रहेंगे और अकस्मित उलटफेर में आपको लाभ मिलेगा। भाग्य आज आपका साथ देने में बेताब है, कर्म करते जाओ और सब कुछ तकदीर के ऊपर छोड़ दो। धन लाभ होगा, कार्य क्षेत्रों में आज का दिन मिला जुला साबित रहेगा और व्यापार में पारिवारिक स्थितियों के कारण तनावपूर्ण माहौल रहेगा और आप अपने महत्व को बहुत सी बातें लेकर चिंताएं लगी रहेंगी। आप बेचैनी का अनुभव करेंगे, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता है और आज किसी का वाहन मांग कर न चलाएं, स्वास्थ्य घुटने में दर्द महसूस करेंगे। सामाजिक व व्यवसायिक क्षेत्र में विरोधियों की भीड़ आपके सामने खड़ी होगी, आप उन्हें अपने साहस और बुद्धिमानी से पराजित कर सकेंगे और एक अपूर्दशक स्वभाव के कारण संभव खड़ी रहेंगे। और हालांकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, करिश्मा होगा और प्रभावशाली प्रसंग उत्तम होंगे। कर्म करते जाओ, सफलता घर के सुविधा वृद्धि होगी, नए संपर्क बनाएंगे और जो लोग जाकर आपको शुभ
शुभ फल प्राप्त करते हैं उन्हें तुला राशि वाले लोग आज धैर्य बनाए रखें, आज मन को विचलित न होने दें और आज लेन देन के मामलों में सावधानी बरतें। आज कार्य उत्तम होंगे, अपनी सेहत को लेकर गंभीरता दिखानी होगी। जीवन साथी के साथ वृद्धि होगी, विद्यार्थियों को पढ़ाई को लेकर गंभीरता दिखानी होगी। धन लाभ होगा, कठिन परिश्रम होगा। स्वास्थ्य को लेकर नजरअंदाज न करें, विशेष कार्य पूर्ण होंगे। पेट संबंधित कोई दिक्कत महसूस होगी, इसलिए खान पान विशेष संबंधित उत्पन्न कार्य होंगे। आज का दिन किसी सौगात से कम नहीं। सबसे पहले तो इस राशि में सूर्य और बुध एक साथ मौजूद होंगे और दूसरा है कि राशि में शुक्र ग्रह के कारण संबंध वैभव प्रति निराश होगी, पैसों की कमी दूर होगी और बिजनेस में लाभ मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन रहेगा, नए कार्य उत्तम रहेंगे, स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं होगी, पुराने रोग दूर होंगे और कार्य उत्तम भी होंगे। अविवाहित के विवाह की बात बन सकती है और सभी संबंध स्थापित होंगे। आप अपने चीज़ों को ध्यान देंगे और कार्य उत्तम होगा। शुक्र ग्रह के कारण संबंध वैभव प्रति निराश, पशु तत्व इसके कारण कुछ उत्पत्ति होगी। तुला राशि वाले जीवन में अनावश्यक परिवर्तन भी होंगे, इनका जीवन चक्र ऊपर नीचे हुएगा और कुछ कार्य होंगे आर्ता के और उत्तम होगा और काज का दिन सगे संबंधित उत्पन्न होंगे। सगे संबंधित लोगों में पारिवारिक का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, पहले से चली आ रही कोई बड़ी समस्या का समाधान भी मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें जल्दबाजी में बनती बात बिगड़ न जाए और व्यापारिक सहभोगी की वजह से कार्य उत्तम होंगे, अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, लव पार्टनर की तरफ से एक अनुकूल कार्य मिलेगा, प्रेम संबंधों में मजबूती रहेगी, तब्दील होगा। आज का दिन दफ्तर जीवन में थोड़ी कठिनाइयां भी आ सकती हैं, जीवन साथी के साथ किसी कार्य को लेकर अनबन भी होगी, दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें, अन्यथा लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे और मन को कुछ चिंताएं लगी रहेंगी, खासकर संतान पक्ष से कुछ चीज़ों को लेकर तनाव हो सकता है। अपनी सेहत का खान पान का विशेष ध्यान रखें, आज कुछ लाभ के कार्य उत्तम होंगे, सफलता भी होगी, पारिवारिक जीवन में कार्य सभी कार्यों को लेकर तत्परता दिखानी होगी, धैर्य रखें लेकिन संयम से कार्य लें। कानूनी मामलों की वजह से तनाव मुमकिन है, जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे, कोई ऐसा कार्य होगा जिसमें इंसान के मन में आपके लिए भावना होगी और आज का दिन कार्य उत्तम होंगे। आज अपने दोस्तों की महक की उपस्थिति महसूस करेंगे और आज अगर आप अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उन्हें खो जाने या चोरी हो जाने की संभावना होगी। जीवन साथी के साथ एक साथ आरामदायक दिन बीतेगा, आज का दिन भागदौड़ भरे दौर रहेंगे, हम अपने परिवार के साथ कम समय दे पाएंगे लेकिन परिवार में साथ बेहतरीन लम्हे गुजारने का आमदनी मौका रहेगा। अपने शरीर की थकान मिटाने या ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए आपको पूरे आराम की जरूरत रहेगी। मित्रों यही था आज की राशि का राशिफल, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मित्रों।